हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग है राखी स्पेशल। ऐसा माना जाता है कि जब शिशुपाल का श्री कृष्ण भगवान वध किए थे, तो उनका जब सुदर्शन वापस उनकी उंगली पे आ रही थी, तो कलाई में चोट लग गई थी, जिससे खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी अपने पल्लू फाड़कर उनके हाथ में बांधती है, मतलब उस पर खून को रोकने का कोशिश करती है। उसके बाद से श्री कृष्ण भगवान ने उनको वचन दिया था कि जब भी तुमको ऐसा आवश्यकता पड़ेगा तो हमारा मदद, मतलब मुझे याद करना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तब से माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ताकि भाई अपनी बहनों का रक्षा करे। तो आज ऐसे जगह आपको लेकर जाने वाला हूँ, और संयोग से दिन भी अच्छा है प्लस लोकेशन भी अच्छा है, राधे कृष्ण जी का मंदिर इस्कॉन टेम्पल पटना। तो आइए आपको वहाँ विजिट कराते हैं। तो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ पटना का इस्कॉन टेम्पल। ये रहा इस्कॉन टेम्पल। अभी हम लोग राइट साइड में जाएंगे, जूता चप्पल का स्टॉल बॉक्सेस बना हुआ है, वहां पर जाकर खोलने के बाद हाथ पैर धोएंगे। हाथ पैर धोने के बाद राइट साइड में सीढ़ी बनी हुई है, जिसके थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का ये है रास्ता, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद हम लोग जस्ट ऊपर जाते ही प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे, और अंदर एंट्री करते ही दर्शन होता है राधे कृष्ण जी का, और बहुत दिल को सुकून मिलता है। और अंदर घुसते ही जस्ट बाई ओर किताब कॉपी मिलता है, भगवत गीता का किताब मिलेगा आपको, हर तरह का चालीसा का किताब मिलेगा आपको। इसके बाद वहाँ पे बगल में आकृतियाँ बनाई हुई है, देखिए सारे भक्तजन बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। मैं वो साउंड आपको सुना नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज अच्छे से क्लियर आ नहीं पाया था, बहुत दूरी से था, वीडियो बन रहा था। और जैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में जो अवतार में रहती है लेडीज, वो काली अवतार ले लेती है और हमसे फोन नीचे रखने को बोल देते हैं, और ये मेरे से देखा नहीं जाता है। और मैं फिर वहाँ से वापस चला जाता हूँ। वापस जाता हूँ, पहले ठिकाना ढूंढता हूँ कौन सा सही जगह है जहाँ से मैं वीडियो ले सकता हूँ। चोरी चोरी देखे देखे कैसे नीचे कर रहे हैं। काफी मुशक्कत के बाद मेरे को फिर एक ठिकाना मिलता है, जहां से मैं भजन कीर्तन का पूरा लुफ्त उठाता हूँ और पूरा रम जाता हूँ, और चोरी चोरी बीच में वीडियो भी बना लेता हूँ। तुलसी जी के पूजा के बाद टाइम आ गया था भगवान जी को भोग लगाने का, तो दरवाजा बंद हो जाता है जब भोग लगता है, तो उनको कोई देखता नहीं है भोग लगाते हुए। और उसके बाहर भक्त जन पूरा नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब वक्त आ गया है दरवाजा खुलने का, देखिए सारे भक्त खड़े हो गए हैं उनका स्वागत करने के लिए। अभी सारे कृष्ण जी का जयकारा लगाएंगे, राधा जी का जयकारा लगाएंगे और डांस करेंगे। बहुत ही मस्त माहौल बन जाता है। देखिए सारे लोग देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अलग उमंग है, अलग खुशी है सबके अंदर। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, पर्दा खुल चुका है, श्री कृष्ण राधा जी का दर्शन हो चुका है, और सारे भक्तजन चिल्ला रहे हैं, उनके जयकारा लगा रहे हैं। आप स्वयं सुनिए। कृष्ण भजन और आरती करने के बाद, उनका प्रसाद लेने के बाद हम लोग जब बाहर आएंगे, देखिए आपके लिए काफी स्पेस बनाया गया है, ताकि श्रद्धालु अगर थक जाएं कृष्ण भजन आरती करने के बाद, तो यहाँ पर बाहर बैठ सकते हैं, ठंडे ठंडे हवाओं का मजा ले सकते हैं, बाहर पटना का लुप्त उठा सकते हैं। पटना इस्कॉन टेम्पल के बारे में आपको कुछ बताते हैं। ये मंदिर जो है 2010 में बन के तैयार हुआ था, वैसे न्यू इसकी 2007 में ही रखा गई थी। तब से आज तक ये मंदिर बहुत ही फेमस होता जा रहा है दिन पर दिन। तो अब कृष्ण भजन आरती के बाद अब टाइम होता है, 9 बज रहे हैं रात के, और राखी बांधने का टाइम हो चुका है।
और मेरे पास तो यहाँ मेरी बहन है नहीं, वो अभी बाहर रह रही है। तो मैं अब यहीं से किसी एक बहन को ढूंढूंगा जो मेरे को राखी बांध सकती है। मैं अब ढूंढने का प्रक्रिया शुरू करता हूँ कि कौन है जो मेरे को राखी बांधेगी। चलिए, तो प्रियंका नाम की एक मेरी बहन मिली है जो मुझे राखी बांधेगी। वो वीडियो में आने से काफ़ी शर्मा रही थी, लेकिन फाइनली उसने हाँ किया कि हाँ ठीक है, वीडियो बना लीजिए। और हमारा काम तो राखी बांधने के बाद जस्ट एक 5 स्टार में ही काम हो गया। आप लोग बताइए कि आपने राखी बांधवाने के बाद क्या गिफ्ट किया अपनी बहन को? राखी बन जाने के बाद जैसे ही हम लोग वहां से गुजर रहे थे, तो एक बच्चा जो कान्हा जी बनकर आए हुए थे, उन सबका मन लुभा रहे थे। सब लोग उनको देखने लगे थे, और देखिए बांसुरी के साथ खेल रहे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद अंदर में तो अलग ही माहौल बना हुआ था, भजन पे डांस चल रहा था। तो भाई अब अपना ब्लॉग होता है समाप्त। यहाँ से हम लोग किनारे निकलेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। ये है इस्कॉन टेंपल का निकास द्वार। तो किसी तरह मैंने छुप छाप के वीडियो बनाया था जब बाहर अंदर में अलाउ नहीं था। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बताइएगा हमारा वीडियो एक ब्लॉग जो था कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।